बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी शुरुआत अच्छी ना हो तो वो एंड जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता। तो मेरा जो अगला लाइफ का है कि ये है कि आपको शुरू से ही फाउंडेशन स्टोन जिसे कहते हैं बुनियादी चीज़ ही ना ठीक हुई तो बुनियादी अच्छी ना हुई तो लोग आगे जाके वो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत नहीं लगेगी, वो बहुत मजबूत नहीं रहेगी, वो टेढ़ी हो जाएगी। तो देयर कैन बी मैनी रीजन्स, बहुत सारी बुराइयाँ उसके अंदर निकल आएंगी। सो मेरे ख्याल में जो बुनियादी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए कि हमें स्टार्ट इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए, इतना खूबसूरत होना चाहिए, इतना स्मूथ होना चाहिए कि जिसको एंड रिजल्ट जिस पे ट्रांसलेट करें। सो कोशिश करें कि वही नतीजा भी कहते हैं ना कि वही नतीजा भी वही निकलता है जिसकी आप प्रैक्टिस करते हैं। सो प्रैक्टिस करें इस चीज़ की कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो। सो बिगनिंग बेहतरीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी ताल्लुक के अंदर भी यही होता है कि जब आप व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप किसको उस अंदाज से भी ले लें तो शुरू में ही आपने मोहब्बतों निछावर करना शुरू नहीं कर देनी। होल्ड बैक, जमीनी हकायक देखें, ऐ बंदा किवें दा है, बीबी किवें दी है। सो होल्ड इट, आप जो कहते हैं ना उसके मुताबिक इमोशंस इमोशनली इंगेज हों, उसके मुताबिक फिजिकली इंगेज हों, उसके मुताबिक इंटेलेक्चुअली इंगेज हो, चाहे वो एक इंटरेस्ट बंदे के अंदर इंटरेस्ट है आपका, किसी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट है आपका, किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, सर्टेन फील्ड है, कुछ भी डिसिप्लिन ऑफ लाइफ है। सो बिगनिंग को जहन में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाद में फिर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं आपके विद इन योर सेल्फ एंड उस पार्टनर के साथ भी जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, जिसके साथ लाइफ गुजारने के चक्कर में। शुरुआत गलत नहीं करनी, सो बिगनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमारे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी ऐसे ही होता है। मैं चूंकि आपके साथ इसी वजह में जुड़ा हूँ तो मेरी वीडियो अगर शुरू में आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी या किसी भी बंदे की वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी तो ये एक फ्लिप की मार होती है, दस्ती गए आगे, लोग अगली वीडियो पे चले जाएंगे, अगले कॉन्टेंट पे चले जाएंगे। सो बिगनिंग का इम्पैक्टफुल होना, बिगनिंग का स्मूथ होना, इंटरेस्टिंग होना, कैलकुलेटेड होना, क्योंकि लोग तो फिर अगले सतह पर चले जाएंगे। सो इसलिए सर शुरू में ही लोग इंटरेस्ट लेते हैं, बाद में क्या हो रहा है वो जरा थोड़ा सा हो जाता है और फिर एंड में लोग देखते हैं मैच जीत गए हैं या कुछ भी है। तो पावर प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि लोग फिर क्या करते हैं कि वो लोग आपको डिसमिस कर लेंगे, डिसंगेज कर लेंगे, ड्रॉप आउट हो जाएंगे उस मीटिंग से या अपने आप को ड्रॉप आउट कर लेंगे, स्कूल में हो किसी भी सिचुएशन में आप देख लें, क्योंकि अगर वो शुरुआत का उससे इंटरेस्ट इंगेज नहीं हो पा रहे, मेंटली फिजिकली इंगेज नहीं हुए, शुरुआत गलत हो गई है तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएंगे। सो डू दिस वन थिंग, मेरे ख्याल में सेटअप द बिगिनिंग की जो सेटअप होना है वो आपकी अल्टीमेट सक्सेस को गारंटी कर सकता है। गेट थिंग्स राइट इन द फर्स्ट प्लेस, शुरू में ही चीजें सेट कर लें। थैंक यू।